हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है। सभी मिक्स क्वेश्चन हैं जो आपके मॉडल पेपर के हिसाब से, ठीक है जी। यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को लाता हूँ मैं जी, एग्जाम के लिए है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए सीरीज को चलाया जा रहा है, ठीक है जी। इसमें जो है छत्तीसगढ़ पुलिस आपका जो प्री हो चाहे मेन्स हो CGPSC में, और साथ ही साथ याफाम का जो है कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल मॉडल प्रयोगशाला कोई भी एग्ज़ाम का आप जो है तैयारी कर रहे होंगे, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, तो बढ़िया जुड़े रहिएगा। डेली बेस पर जो है सेशन को मैं चलाता हूँ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराते हैं, वो भी पूरा फैक्ट के साथ इसको पढ़ाता हूँ, ताकि एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप सभी को पता होगा तो सारे क्वेश्चन आपसे बने, इसलिए यहाँ पे जो फैक्ट के साथ पढ़ाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम जनसंख्या, ठीक है जी। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसमें चार ऑप्शन है, जिसमें बताना कि कौन सा जो जिला है जहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होता है। तो जनसंख्या क्या होता है, मतलब जनसंख्या घनत्व क्या होता है उसको थोड़ा देखते हैं। मतलब एक वर्ग किलोमीटर, ठीक है जी, एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जिसने जो निवास व्यक्तियों के जो घनत्व को ही जनसंख्या घनत्व करते हैं, ठीक कहते हैं, ठीक है जी। अगर 2011 की जनगणना से क्वेश्चन श्योर पूछा जाएगा, ठीक है, बढ़िया रट के जाइएगा। मेरे छत्तीस सामान्य अध्ययन में जो मैं जनगणना कवर करा दूंगा, तो 2011 के अनुसार देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के अनुसार लगभग 189 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ के जो है जनगणना के साथ जनसंख्या घनत्व है, ठीक है जी। वहीं 2001 के अनुसार देखेंगे तो 154 प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है, मतलब दोनों के बीच में लगभग 45 जने का जो है अंतर है, 45 व्यक्ति का अंतर है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो 2011 का भी आपको जो पता होना चाहिए, 2001 का भी पूछा जाए, मतलब जा सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, ठीक है। मतलब 2011 का ही क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा नहीं है। तो 2001 और 2011 दोनों को, क्योंकि 2001 में पहली जनगणना हुई थी छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जिसमें 35 जने के अंतर है, ठीक है। तो 18 जिलों के अनुसार देखेंगे तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व जो है कौन से जिला में है, तो आपका जो है जांजगीर चांपा, ठीक है। जांजगीर चांपा जो है सर्वाधिक जनसंख्या या आपका घनत्व जिला है, ये आपका सर्वाधिक होगा, ये लगभग 420, ठीक है जी, 420। और वहीं न्यूनतम देखें, न्यूनतम आपका जो है नारायणपुर है, एन लिख दिया हूँ, ठीक है। नारायणपुर में कितना है? 30, ठीक है। तो ये आपको यहाँ के जन न्यूनतम आपका जो है नारायणपुर का है, और सर्वाधिक जांजगीर चांपा का है, ठीक है जी। इसको याद रखिए, ITI जो प्रिंसिपल के पेपर में आया हुआ है, और व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया, CGPSC में आया हुआ है, ठीक है, दोनों। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी बताया मैं, जशपुर, बीजापुर, कोरबा और दंतेवाड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नारायणपुर, ठीक है, ये आपका जो है नारायणपुर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ नारायणपुर, ठीक है जी, नारायणपुर लगभग 30, ठीक है। तो नारायणपुर सर्वाधिक आपका जांजगीर चांपा हो जाएगा, तो नारायणपुर इसका जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंगानुपात, लिंगानुपात की दृष्टि से प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ के कौन से जिला है? बस्तर, कोंडागांव, राजनांदगांव या दुर्ग जिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर, ठीक है जी। तो लिंगानुपात क्या होता है? तो मतलब प्रत्येक 1000 पुरुष, ठीक है, प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे अनुपात में महिलाओं की संख्याओं को जो है लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात कितने हैं जी? तो याद रखिए 991 यहाँ के जो है जनगणना के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ की आपका सेक्स रेशियो है, ठीक है जी, लिंगानुपात है, जिसको 2011 के जनगणना अनुसार लिंगानुपात 991 है, और अगर 2001 के अनुसार देखेंगे तो 989 है। ये दोनों डाटा आपको याद रखना है, क्योंकि कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है जी, जिसको आपको याद रखें। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि वर्तमान में, ठीक है जी, भारत का जो लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशियो भारत का आपसे पूछना, मैं छत्तीसगढ़ के बता दी हूँ भारत का भी कितना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपसे छत्तीसगढ़ से ही नहीं पूछेगा, क्योंकि भारत का भी आपसे पूछ सकता है कोई भी एग्जाम में, ठीक है। तो भारत का सेक्स रेशियो लिंगानुपात आपको जो है बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है लिंगानुपात की दृष्टि से जो प्रथम स्थान कौन सा जिला है, तो आपका जो है बस्तर हो जाएगा। बस्तर में देखेंगे 1023 यहाँ का सेक्स रेशियो है लिंगानुपात, ये आपके 1023 सर्वाधिक बस्तर का है, और न्यूनतम कहाँ का है, तो ये आपका जो है कोरिया का है, ठीक है, कोरिया
968, ठीक है, 968 यहाँ का कोरिया का न्यूनतम, तो इसको याद रखना है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम लिंगानुपात बताया मैंने अभी, कोरिया जिला का 968, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जीरो में दूसरा स्थान, मतलब दूसरा जिला कौन सा आता है ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे कम लिंगानुपात कोरिया बताया था 968, तो उसी में लिंगानुपात वाला जिलों में दूसरा स्थान किसका है, कोरबा, कबीरधाम, कांकेर या कोरबा जिला, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरबा जिला, ठीक है जी। तो कोरबा जिला का जो है, मतलब जो है कोरिया जिले के बाद कोरबा का स्थान आता है, जिसमें आपका 969 यहाँ का जो है सेक्स रेशियो, ठीक है, जिसको आपको याद रखें। बस्तर के बाद अगर सर्वाधिक ये देखेंगे दंतेवाड़ा का है, 1020 यहाँ का जो है सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। इसको याद रखिए, कोरबा में ये आपका दूसरा स्थान रखता है सबसे कम लिंगानुपात के मामले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ में गांधी जी का आगमन सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, मतलब जो कब हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी का आगमन 1931 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर सन 1920 को गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, जिनके सहयोगी के रूप में मौलाना शौकत अली इनके साथ रायपुर आए थे। फिर अगले दिन, मतलब जो है 21 दिसंबर को, ठीक है, 21 दिसंबर 1920 को धमतरी पहुँचे, वहाँ पे जो है एक जनसभा को इन्होंने संबोधन किया, ठीक है। फिर रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया। फिर जो इसका मेन उद्देश्य यही है इनका आने का, कि जो कंडेल नहर जो सत्याग्रह है धमतरी में हो रहा था, कंडेल नहर सत्याग्रह धमतरी में भाग लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन गांधी जी के जो छत्तीसगढ़ में आगमन के पहले अंग्रेज़ों ने जो कर जो लिया जा रहा था, तो इनको ये आपको वापस उन्होंने ले लिया था, ठीक है। तो ये आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे जो है डबल स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किसे माना जाता है, सुरेंद्र साय को, गुंडा धुर को, वीर नारायण सिंह जी को या ठाकुर प्यारे लाल जी को, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शहीद वीर नारायण सिंह। ऐसा क्यों माना जाता है छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, तो 1856 का विद्रोह सभी जानते होंगे, जिसको सोना खान विद्रोह बोलते हैं। कहाँ पे हुआ था, सोना खान बलौदा बाजार में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो वीर नारायण सिंह, जो सोना खान के जमींदार थे। कौन सी जनजाति के थे, जनजाति भी आपको पता होना चाहिए, बिंजवार जनजाति के थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब जो अकाल पड़ जाने के कारण यहाँ पे जो है, तो लोगों के हित में जो है कसडोल के जो व्यापारी माखन लाल के गोदाम का अनाज को लूट कर जनता में बांट दिया गया था। फिर इनको यहाँ पे जो है गिरफ्तार करके रायपुर में जेल बंद कर दिया गया है, मतलब अनाज लूटने के कारण 1856 में, ठीक है जी। फिर कैप्टन स्मिथ उनके गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जो है अगले दिन, मतलब 27 अगस्त 1857 को वीर नारायण सिंह जेल को, मतलब जेल में ही सुरंग बनाकर उन्हें भाग हो गए, मतलब भाग गए थे। फिर वो दिन आता है 10 दिसंबर 1857, ठीक है, वीर नारायण सिंह रायपुर को जो है पकड़ के, फिर रायपुर जय स्तंभ चौक में चार्ल्स एलियट के फैसले के अनुसार उनको जो है फांसी पर लटका दी गई, ठीक है जी। तब से इनको जो वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद माने जाते हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, ठीक है जी। साक्षरता की दृष्टि से, ठीक है जी, साक्षरता की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ की स्थान कौन सा है, 21वां, 22वां, 23वां या 27वां, तो छत्तीसगढ़ के जो है कौन सा स्थान है आपका जो है साक्षरता लिटरेसी के मामले में। तो पहले जानते हैं साक्षरता क्या होता है। तो साक्षरता जिसको हम लिटरेसी बोलते हैं, मतलब जो है 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष से जो अधिक के एज के जो आयु के पढ़ने लिखने जो सामर्थ्य नागरिक को यहाँ पे जो है साक्षर बोलते हैं, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी है, तो जी याद रखिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो, 70.28% जो है हमारी 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता है। अगर ये 2011 का, ठीक है, 2001 के अनुसार देखेंगे 64.66%, ठीक है, 64.66% ये 2011 के जनगणना अनुसार है। तो आपका दोनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद रखिए हम, जिसमें छत्तीसगढ़ में स्त्री और पुरुष के साक्षरता दर, ये आपका 8.74 ये आपका जो है पुरुष का है, 7.07 ये आपका जो है महिलाओं का है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ।
अगर महिलाओं का बोले तो महिलाओं मतलब जो है स्त्री और महिलाओं को देखेंगे तो 8.74 ये जो है महिला का है, और वहीं पुरुष का देखेंगे तो 4.07% ये आपका पुरुष का लिटरेसी रेट, ठीक है, इसको आपको याद रखिएगा। ये आपका जो है वृद्धि दर है, इसको याद रखना है। और यहाँ पे देखेंगे पुरुष और महिला का साक्षरता अनुपात देखेंगे तो 80.27% ये जो है ये आपका पुरुष का है, और महिला का देखेंगे तो 60.24% ये जो है महिलाओं का है। बाकी जो है मैं जनगणना पढ़ाऊँगा तो उसमें यहाँ पे पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगा, ठीक है जी। तो साक्षरता दृष्टि से छत्तीसगढ़ की स्थान 27वां स्थान है, आपको इसको याद रखना है पूरे भारत भर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नगरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 23.24%, 21.06%, 22.02% या 23.05%। तो यहाँ पे नगरी जनसंख्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो जो 2011 के अनुसार देखेंगे तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23.24% ये जो है नगरी जनसंख्या प्रतिशत है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि आपके पटवारी व्यापार वगैरह में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अर्बन पॉपुलेशन ये आपका नगरी जनसंख्या 23.24%। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे बड़े भूमिगत और यांत्रिकृत कोयला खान जो है कौन से जिला में है? बिलासपुर में, सरगुजा में, कोरिया में या कोरबा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरबा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भारत की सबसे बड़ी भूमिगत और यांत्रिकृत कोयला खान है, कोरबा में है। कोरबा को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है ऊर्जा धानी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है जी, क्योंकि जो कोयला का भंडारण सबसे ज़्यादा आपका जो है कोरबा ज़िले में आती है, जिसमें गेवरा, कुसमुंडा ये सभी जो क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ पे पाया जाता है। इसी के खनन के लिए भूमिगत और यांत्रिकृत कोयला खान यहाँ पर जो है स्थित है, ठीक है जी, कोरबा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ बनेगा जी? तो ये जो है आपका दुर्ग जिले में बनने वाला, ठीक है। ये आपका जो है नंदनी माई सुने होंगे, यहाँ पे जो ऐसे ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जहाँ पे इन्वायरमेंट को जो है जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे जो है पेड़ को लगाया जाएगा, ताकि इन्वायरमेंट पे जो प्रदूषण हो रही है इसको बचाव किया जा सके। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वगैरह यहाँ पे लगाना भी चाहिए, ठीक है जी। तो जो है इसको जो है भारत के सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल आपका दुर्ग जिले में बनने वाली है, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? महासमुंद, दंतेवाड़ा, बस्तर या आपका जो है राजनांदगांव? तो इसको तो बता चुका हूँ, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात या सेक्स रेशियो आपका जो है बस्तर में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बाहुल्य वाला जिला कौन सा है? जशपुर, बिलासपुर, दुर्ग या धमतरी? तो रूरल पॉपुलेशन जो ग्रामीण जनसंख्या बोला जा रहा है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपके कौन से जिले में देखने को मिलते हैं या निवास करते हैं? तो आपका जो है जशपुर जिला, ठीक है, लगभग 91%, ठीक है। तो सर्वाधिक यहाँ पे है, और न्यूनतम कहाँ पे है? तो आपका दुर्ग में 61%, ठीक है, इसको आपको याद रखना है प्रतिशत के अनुसार, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या बहुल वाला जिला कौन सा, मतलब आदिवासी जो जनजाति के लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से जिला में निवास करते हैं, ऐसा कहना है, रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा या बस्तर? या इसका आंसर तो सभी को पता होगा, बस्तर में सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक मात्रा में आदिवासी जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का जो नृत्य है भयोत्पादक होता है? बैगा जनजाति, कोरवा जनजाति, कमार जनजाति या खैरवा जनजाति? तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, कोरवा जनजाति, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की कोरवा जनजाति का जो नृत्य यहाँ पे भयोत्पादक होता है। अगर मैं कोरवा जनजाति की बात करूँ, छत्तीसगढ़ में निवास कहाँ करती है कोरबा जनजाति? ये खास करके कोरबा, अंबिकापुर इन जिलों में निवास करती है। इनमें अलग अलग जैसे पहाड़ी कोरबा, दिहाड़ी कोरबा अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये जो है खुड़िया रानी, ठीक है, के लिख दिया हूँ, खुड़िया रानी के जो इन लोग पूजा करते हैं, और साथ ही साथ महादेव, सिंगीर देव, अलग अलग देवता के इनको जो है अलग महत्व होते हैं अलग अलग जनजातियों में, ठीक है। इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? दमनच नृत्य बहुत फेमस है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, दमनच नृत्य किया जाता है, विवाह के समय इसको करते हैं, यही आपका जो है भयोत्पादक नृत्य होता है, जो विवाह के समय यहाँ पे किया जाता है,
आपको याद रखिए, इसमें जो है ढोकू विवाह इसमें जो प्रचलित है इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो पेय पदार्थ हड़िया चावल से बनाया जाता है, ये पेय पदार्थ है आपके कोरवा जनजाति में, बाकी जनजाति में कवर कर आ चुका हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, सेशन आज के आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।